भाईओ अल्लाह दी कसम ही ने आ जड़ी कुलखानी है तीजा है सात है खत्म है चालीसवा है ये सारे मौलवियों के पखंडी ने इसका दीन नाल कोई ताल्लुक। मैं तुहाड़ी नफसियात समझना, मैं जिस टाइम तले लथा कई बुजुर्गों ने मेरे दिल वेख के ते मत्थे ते वट चाड़े ने भैया लाओ है पटिया पहाड़ ते निकलिया विचों निक्का जी आ चुके मौलवी इंज दे आउंदे मौलवी वह आते मलोम आता है भाई जहन्नम दा सड्डा आंदा पिया उहदे वास्ते कुर्सी नहीं रखनी पौंदी तले मंजा गदना पौंदा मौलवी दे अगे पिछे दा पत्ता कण वेखो तो मालूम होता मौलवी का मूह है जे मूह वेखो तो मालूम होता मौलवी का पेछा है यानी बराबर है भाइयो सिर्फ असा खावण के बहाने बनाए दे वरना तेरा मेरा दितो या मोए दे खाते च क्यों भाई मौलवी कोई ऐसा कनेक्शन है जो खावे मौलवी तो ट्रांसफर मुर्दे दे रो कोई है ऐसा कनेक्शन बोलो तो सही है रेवड़ियाँ केले शेले सेब और दुध गिलास वगैरह तो फिर ये खत्म दिए भी कई किस्म हो गरीब द होवे ना तो मौलवी आदा उतों गवाडू कह मुसली सड़ के पढ़ा लाओ तो जिथे चंगा चोखा मिल जाए उस बादशाह हजरत और स्पेशलिस्ट खुद तशरीफ लै रहे अगलियां भी तसली होंदा भई ये बाघुर आप आ गया हुण साडा मुर्दा बख्शीवन तो रह सकदा अक्कर माले हो अल्लाह तुहानू अकल दिता है मौलविया नालू मैं समझे ना जट ज्यादा सियाने होंदे सारे बेवकूफ बैठे हो तो बोलो तो सही करमा लो सियाने ज्यादा होंगे इन्हों परी पंचायती बहाने वाले लोग होंगे इन्हों हालात का पता होंगे असा मौलवियाँ तो सिर्फ मसीहत ही त्रोड़नी आदि है इन्होंने वन वन के बंदे इन्हों का वाह पाँदा रह ज्यादा समझदार होंगे अपने ईमान नाल दसो जे तेरा मेरा ये दुध खीर ते हलवा एक बार हलवा खीवे तो वह सब गीता रोवे लग रही हलवा जोड़ा है ये अगर मुर्दे दिन वहींदा तो यकीन कबर अठवें दिन पार्टी जरूर पई हो आखिर उसको हलवा खावना है दुध पीवना है फ्रूट खावना है तो उस मोटा भी तो होना है कि नहीं होना है कबर उठा ही पई है ओनू कुछ नहीं होया ते मौलवी जो फुलदा वहींदा तेरी मत मारी वहींदी तैनू अजे नहीं समझ आई भी तेरा दित होया यो बिखाड़ खाधी वहींदा ही मुर्दे आले पासे गाई शाह नहीं मगर वत भी दिती खला वेखो ना यार एक बेचारे का प्यो मर गया उत्तू सुख का सहाय हरामी मुला नहीं रवन देता एक कदी आता मोए का बिस्तरा दियो मंजी दियो कपड़े दियो दुध दियो गागर दियो लोटा दियो मंजी ते बिस्तरा दियो क्यों भाई तो इतने भैन पर आई हो हर शह जी ये को लेता है जेड़ा मर गया है ओदा हुण हाल अहवाल कहिंदे दरबार जी मरण वाला जन्नत दे फरूट खांदा पिया ए तेरे मक्खियां दे मारे ओ त्रक्के ओ केले दे वेदा है नहीं वेदा इस वास्ते जेड़ा मर गया है ओदे हालात हुण जानण वाला कौन बोलो बता ये जरा तरीका शरीयत ने दसे है प्यो मर गया बीवी मर गई माँ मर गई है कोई भी मर गया तो जदा नमाज पढ़ते हो अपने हक जिथे दुआ करेंदे हो उन्होंने हक ही बोलो के करो बोलो तो सही यार इस चूके मौलवी ने घाटा इस वास्ते वादा दुआ नाल बख्शीवना मेरा अंदर भरो जहन्नम वाला गड़ा ऐसा है जरा मुठू भरी मारे आंदा ही अल्लाह नाराज तो नहीं होंगे पे मैं भी यार बन्ना त्रुटा मौलवी सा समझो मैं इंजे समझो अपने खिलाफ बैठे गल कर
ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੜਿਆ ਬਲਿਆ ਵਾ ਇੰਜਨ ਹੁਣ ਨੇ ਕੋਈ ਹਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਵੇਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਡਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆ ਬਹਰਾਲ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁਕਤਦੀ ਠਰਦੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਲੇ ਮੁੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਬਈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਬਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਬਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਦਾਂ ਬਹਾਬੀ ਤਾਂ ਨਾ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕਿਦਾਂ ਮੁਨਕਰ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਤਬਸਰੇ ਹੋ ਸਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤਬਸਰੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਸਨ ਬੁੱਢੜੇ ਉੱਠੀ ਵਣ ਲੱਗ ਸਨ ਬਾਕੀ ਆਖਸਨ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਸਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੌਲਵੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਬਈ ਮੌਲਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਇੰਨਾ ਬਖਸ਼ੀਣਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੋ ਇਹ ਮਸ਼ਰੂਤ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਮੋਢੂ ਬਖਸ਼ੀ ਬਣਾਈ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਮੌਲਵੀ ਬਖਸ਼ੀ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਵੇਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀ ਵੇਣ ਅਸਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ੀ ਵੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।